हमारी खामोशी भी ऐसी है, हमारा उद्गार भी ऐसा है, हमारी नफरत भी ऐसी है, हमारा प्यार भी ऐसा है। राम तो कड़कड़ में बसे हैं, पर इस बार परशुराम बनना हमारी मजबूरी है। क्या अब भी कुछ कहना जरूरी है? कांपते होठों को देख न सोचो कि हम खामोश हो जाएंगे, कांपते होठों को देख न सोचो कि हम खामोश हो जाएंगे। नमी है आंखों में, पर ऐसा भी नहीं गमश्कों के साथ बह जाएंगे। भूले नहीं उन्हें जो पल भर में दूर हो गए, हर पल उन्हें याद करेंगे जो कि नासूर हो गए। चंद धमाकों से फर्क किसे पड़ता है, चंद धमाकों से फर्क किसे पड़ता है। जिंदगी को आगे बढ़ना है, हजार बार कह चुके हैं ऐसा, इस बार किया है दृढ़ निश्चय कि लड़ना है। एक बार तो है बांटा, कितने भागों में हमको बांटोगे, एक बार तो है बांटा, कितने भागों में हमको बांटोगे। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा बचपन से है गाया, क्या ये समझे इतने भागों में हमको छाटोगे। खामोश लहरों को देख भला कब लगा है इनमें भी तूफान उठेगा, खामोश लहरों को देख भला कब लगा है इनमें भी तूफान उठेगा। तूफान उठता है समझ नहीं आता भला ये कैसे रुकेगा। हमारी खामोशी भी ऐसी है, हमारा उद्गार भी ऐसा है, हमारी नफरत भी ऐसी है, हमारा प्यार भी ऐसा है। और राम तो कणकण में बसे हुए हैं, पर इस बार परशुराम बनना हमारी मजबूरी है। क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी है, क्या अब भी कुछ कहना ज़रूरी है। एक कविता मैं श्री राम, अपने आराध्य श्री राम पे मैं पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहला मैं ये वर्णन करता हूँ कि जब हनुमान जी कपीश जो हैं लंका में प्रवेश करते हैं, और जब हनुमान दशानन के सामने जाते हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएं प्रकट होती हैं, वहाँ से मैं वाल्मीकि रामायण का एक चित्रण है। हनुमान जी देखते हैं जब लंकेश्वर को, तो उनके मन में आता है कि भ्राजमानम ततो दृष्ट्वा हनुमान श्री लंकेश्वर मनसा चिंतयामास तेजसा तस्य मोहित, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो दिति अहो राक्षस राजस सर्वलक्षण युक्तता। अब अगर इसी को हम हिंदी में कहें तो उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मंदोदरी यही प्रश्न करती हैं रावण से, देखिए अगर हम लोग संवाद की बात करते हैं, पति पत्नी में सिर्फ विवाद होता है, अगर किसी भी पति पत्नी में अगर संवाद हुआ है तो सिर्फ वो रावण और मंदोदरी के बीच संवाद हुआ है, और सृष्टि में कहीं भी संवाद नहीं हुआ है। तो जब मंदोदरी जब रावण के समक्ष पहुँचती हैं तो पूछती हैं, सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि तुम बैरी राम के कपीश ने जीवन राम नाम किया, तुम बैरी राम के कपीश ने जीवन राम नाम किया, श्री भक्त ने साक्षात राम भक्त को फिर कैसे प्रणाम किया। तब रावण का जवाब आता है, श्री भक्त गया था राम भक्त को तोलने, कुछ बोल पाता कपीश लगे बोलने। रावण कहता है कि मैं उनको समझ पाता, उनका कुछ वर्णन कर पाता, उसके पहले हनुमान बोलने लगे। हनुमान क्या बोलते हैं, ज्ञान रूप सौर सर्व लक्षण युक्त हो, ज्ञान रूप सौर सर्व लक्षण युक्त हो, हर गुण धरे हो अहंकार से क्यों नहीं मुक्त हो। तुम बैरी राम के मैं दिन रात राम राम करूं, राम शरण आओ तीनों लोग तेरे नाम करूं। तब रावण का जवाब सुनिएगा आप लोग, तब रावण बोलते हैं, मैं राम बिन शून्य हूं तुम राम के ही दूत हो, मैं राम बिन शून्य हूं तुम राम के ही दूत हो, तुम भक्ति का पर्याय हो मैं भक्तों में भूत हूं, देव हो दानव हो साक्षात नंदी हो, देव हो दाना हो साक्षात नंदी हो, मुक्ति के देव हो तुम कैसे बंदी हो, और शिव का अंशी तो वानर रूप धरे है, राम रिपु राम से फिर कहां परे है, राम रिपु राम से फिर कहां परे है। दूसरा प्रश्न मंदोदरी का रहता है, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो। रावण से पूछती हैं, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोक तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब रावण बोलते, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। तीसरा प्रकरण था सेतु बंधन का, सेतु बंधन बहुत ही खूबसूरत प्रकरण रहा है, उस पर एक मेरी रचना है कि
राम दिन कर भी हैं राम ही दिन दिखे, राम दिन कर भी हैं राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं राम प्रश्न दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पाहनों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम से दिश पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। कपीश बोलते हैं हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें। वानरों में जोश था लंका में हाहाकार था, वानरों में जोश था लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे रावण लिखा और लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछती है हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। रावण कहते हैं हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राज मध्य। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, और समाज फूल है शिक्षा मकरंद है। कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है, और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है, और राम साधना भी है राम ही साध है, और जो दिख रहा है भैया वही रामराज है, जो दिख रहा है भैया वही राम।